मैंने भगवान के साथ एक बार फंगा ले लिया, ईश्वर के साथ फंगा लिया मैंने, मैं बहुत तड़फा, वो आनंद वो ईश्वर का अनुभव नहीं हो रहा है। खूब केदारनाथ गए, इधर गए उधर गए, व्रत रखे, साधना की, ऐसा ऐसा ध्यान समाधि साधना में आपको नहीं करना पड़ेगा कि बवासीर हो गया, शरीर से खून बहने लग जा। अनुष्ठान पूरा करते करते रात्रि के 10 11 12 1 बज जाए, 2 बज जाए, जवान शरीर सोए तो एकदम पता ही नहीं चले, और जंगल के जानवर वो पैरों के तलवे फूंक मार मार के वो चमड़ी खा जाते थे, फिर सुबह चले तो बालू चुभे, ऐसे दिन बीता है ईश्वर को रिझाने के लिए, और ईश्वर प्रकट हुए नहीं, हृदय में आनंद आवे नहीं। तो एक बार ईश्वर से फंगा लिया कि मैंने कहा आप अभी मिलते नहीं हो, एक बार मिलोगे ने तो तुम्हारी हालत ऐसी करूंगा जैसे कोई बहुत दुखी होकर माँ से बाप से मित्र से चिढ़ जाए, ऐसे ईश्वर से हम चिढ़ गए कि अभी मिलते नहीं हो, एक बार मिल जाओ तो तुम्हें ऐसा सस्ता बना दूंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी, सुबह आ जाओ तो 500 की 5 रुपए की 500, मेथी ले लो 5 की 500, दोपहर को 3 की 500, 3 की 500, 3 की सैर ले जाओ, 3 के किलो ले जाओ, और शाम आए तो भाई 2 रुपए मेथी ले जाओ, पालक ले जाओ 1.5 रुपए, 1 रुपए, ऐसे ही आलू 10 रुपए किलो मिलते थे, फिर 5 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो आलू, 45 पैसे किलो आलू ले आए हमारे आश्रम वाले, और यहाँ तक कि कभी कभी आलू के 10-10 हजार कट्टे नदी में ही लोग फेंक देते, आलू ऐसे सस्ते हो गए। तो मैंने भगवान को कह दिया एक बार मिल जाओ महाराज, फिर मैं तुमको सब्जी की नहीं सस्ता बना दूंगा। ये बोला हुआ वचन भगवान ने सच्चा कर दिया, वो मजा ले रहे और हमको भी दौड़ा दौड़ करके मजा ही दिला रहे हैं, हमें भी फरियाद नहीं है। कल शाम को हम अलीगढ़ से कार में आए और यूपी की सड़कें तो बात होगा खड्डे ये 130 किलोमीटर में हमको 4.25 घंटे लगे, और हमारी गाड़ी भगाने वाला ड्राइवर तेज था, जहाज पकड़ना है, हेलीकॉप्टर धूमस के द्वारा नहीं चल सका, हेलीकॉप्टर से आना था तो 3 वाले जहाज में जाना था, फिर 6:30 वाला जहाज का कोशिश किया लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, वो कैंसिल करा के फिर 8:40 वाला जहाज में गए, वहां 10:00 पे पहुंचे, 10:30 आदि को 10:40 को आश्रम में पहुंचे कल रात को, और सुबह फिर 9:30 जहाज में बैठे 10:45, और आज इधर सत्संग, तो भगवान को तो सस्ता किया, हम भी सस्ते हो गए। नारायण हरि, आप लोगों को फायदा है, हमने ईश्वर से फंगा लिया, ईश्वर ने मेरे से फंगा लिया, हम दोनों के फंगों में समाज को बहुत फायदा हो रहा है। बाजार में दोनों तरफ दुकानें होती हैं, बीच में सड़क होती है, इधर भी दुकानों की लाइन, उधर भी दुकानों की लाइन, हमने सामने मिठाई वालों की, अरे बोले मेरे ग्राहक आते तो तेरे पेट में चोंक लगती है, अपनी नजर डालता रहो, मेरे पास से ग्राहक इधर देखे तो उसको दिखाता है, बोले तू भी तो ऐसा करता है, बोले तू 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 मैं, और पर बोले हो जाए दो हाथ, क्या दो हाथ, उठाकर मारा लड्डू उस दुकान वाले का, दुकान वाला उठाकर आए मोनथल फेंकता है, मोनथल वाला फिर वो उठाकर पतीसा फेंकता है, वो फेंकता है, एक दूसरे को धार, लगता नहीं लगता लेकिन भिखमंगों के लिए, गायों के लिए, यात्रियों के लिए मिठाई के थाल लड़ाई में खर्च होते हैं। शायद हमारा भी ऐसा ही हाल है, रास्ते जाने वालों को मोह जाए, धार, मिठाई की दुकान वाले लड़ते ना तो पेड़े बर्फी लड्डू एक दूसरे के तरफ फेंकते, तो यात्रियों को ही फायदा होता। ऐसे ही हम ठाकुर जी से फंगा लिया तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये भी करके देख लो, तो ये भी करके देख रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना पड़ता और वे भी ठाकुर जी भी सस्ते हो गए। थोड़ी देर बस हाजिर हो जाओ, सबके हृदय में हाजिर, अभी करो।
माना ओम, मैं तेरा तू मेरा, तू आनंद स्वरूप है, मेरा आत्मा है। फुटपाथ की सब्जी में तो 2 रुपए भी देने पड़े, इस महाराज को तो 2 रुपए क्यों दो, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे दयालु दाता। तुम ऐसा नहीं समझना कि हमारा आवाज वहां तक नहीं जाता। अरे जहां से आवाज निकलता है उसकी गहराई में बैठे हो। भगवान सर्व भाषाविद है, उनको भाषा सीखनी नहीं पड़ी, भाषा जहां से उत्पन्न होती, भाव से भाषाएं बनती, भाव के मूल में ही वो बैठे सर्वविद। मैंने जो आपको बोला तो आप ऐसा समझते होंगे कि क्या पता भगवान सुनते होंगे कि नहीं सुनते, सब जानते, मैं सुना हूं उसके पहले वो जानते कि ये यही बोलने वाले तैयार बैठे होते। आपने आशा रामायण जिसने सुनी पढ़ी है हाथों पर करो, उसमें आता है आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक, एक दिन वो नारेश्वर धाम पधारे, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, रात गई प्रभात हुआ आई पार, प्रातः विधि निवृत्त हुआ है तब आभास सुधा का पाए, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा, ये विचार कब आया ना धो क्या है तब, लेकिन जो ही मन विचार यूं लाए त्यों ही दो किसान आए, दोनों सिर पे बांधे साफा खाद पी ले दोनों हाथ, बोले जीवन सफल है आज अर्घ स्वीकारो महाराज। आशा राम तब बोले के जो है तुम्हारा संत उसे खिलाओ, बोले हमारा नहीं संत कोई दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा, कैसे पूजा करो, है सपने में मार्ग रात को देखा, सुबह तो मेरे को विचार आया कि नहीं जाना है कहीं खाने, लेकिन विचार आएगा उसको जानने वाला दाता उन किसानों को रात को ही सपने में रास्ता दिखाता है कैसी उसकी व्यवस्था है। विचार तो मुझे सुबह आया और किसानों ने रात को सपने में मार्ग देखा और मेरा चित्र चेहरा दिखा उनको, ये कैसी उनकी सुंदर व्यवस्था। खाली मेरे लिए नहीं, उड़िया बाबा भी कहीं जाते नहीं तो नन्हे बाल गोपाल आ जाते, दो बाल श्याम बलराम, बाबा भूख लगी है रोटी खा लो, कहाँ से आए, बोले सामने ही घर है, 2-3 दिन उसी इलाके में वो खिलाने आया, देखा तो आसपास में कोई गांव ही नहीं, जमुना के पट में तो कई 1.5-2 किलोमीटर तो जमुना के पेट में कोई गाँव ही नहीं, फिर पता चला श्याम बलराम आए, कभी राम लखन आए कभी कुछ, ईश्वर की व्यवस्था तो ईश्वर ही जानते। अब मुझे सुबह आया कि भूख लगी है, लेकिन जो मर्डर केस करते हैं उनको भी सरकार खाना देती है, और हम भगवान का भजन करें और भिक्षा मांगने जाए, क्षत्रिय खून था मांगने में, जरा धनी पिता के संतान थे मांगने के, ब्राह्मण होते तो मांगने में कोई लज्जा नहीं आती, नहीं जाएंगे मांगने, अड़के बैठ गए, और के हम बैठ जाएंगे उसके पहले महाराज को पता चल गया, और रात को सपना दिखा दिया कि इधर इधर जाओ बैठा है और के बैठने वाले के पास, ऐसा उनको नहीं बोला, उनको तो बोले संत बैठे ले जाना फल फला दी, कैसी सुंदर व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था तो भगवान ही जानते। अभी आप बैठे तो अपने बल होशियारी अकल से बैठे हो, दिल्ली में आज इतवार है शनिवार है आज चालू दिवस है फिर भी बैठे हो, पूनम तो हो गई सुबह, अब चंद्र ग्रहण में एक एक जप एक एक मिनट आपका कितना आनंद गुना फल दे रहा है, तो कुछ ना कुछ सत्कर्म किया है तो उस प्यारे को जच गया, इसलिए तुमको चंद्र ग्रहण के समय भी जप में ध्यान में सत्संग में बिठाकर तुम्हें इसी जन्म में न जाने क्या क्या आनंद और क्या क्या अनुभव और क्या क्या ज्ञान देना चाहता है, उसकी उसकी कृपा तो वही जाने, बोलो महाराज आपकी कृपा आप ही जानते हो महाराज, हरि प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी, ओ ओ। ऐसा नहीं है कोई प्रयत्न करेंगे तभी मिलेंगे, प्रयत्न साध्य नहीं है, इतने समय के बाद मिलेंगे ऐसा भी नहीं है, वो अभी है मिले मिला है, अभी मेरे को पता चलने दिया, वास्तव में मिले मिलाए बिछड़ते ही नहीं है।
मेरी जिंदगी में तो मेरे सेवक को किसी को 12 महीना भी नहीं लगा, 12 दिन भी नहीं लगे बापू नाराज है तो उनको राजी करने में। क्या ख्याल है? हम फंगा ले चुके हैं महाराज से, तो महाराज ने भी मेरा स्वभाव भी ऐसा बना दिया कि नाराज हो ही नहीं, भोगते रहो। सस्ता बनाने वाले तुम भी सस्ते हो जाओ, मेरे को सस्ता बनाने वाले तुम कैसे महंगे रहोगे। महाराज ने भी मेरे से फंगा ले लिया, मैंने उनसे फंगा लिया, उन्होंने मेरे से फंगा लिया। मिठाई वाले का फंगा बाजार के लोगों को मौज हो गई। मिठाई वाले लड़ते हैं लड्डू से, बर्फी से, पेड़ी से, दूसरों को, गायों को, दूसरों को, रास्ते जाने वालों को मुफ्त में माल मिल रहा है। ऐसे ही है आपका वो ब्रह्म परमात्मा का और हमारा आपस में जो भी हुई खींचा खींची प्रेम, प्रेमा भक्ति में, ज्ञान में, प्रेम में ऐसे ही होता है। जरा अटखेलियां होती, तिरछापन होता है, नित्य नवीन रस देता है। चलो ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम हरि ओम 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 आनंद ओम 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 बस। दो मिठाई वालों की लड़ाई, रास्ते वालों को हा 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 कोई उनसे फंगा ले तो भी वो उनका भलाई ही करते, बुरा करना तो उनकी ताकत ही नहीं है।